सरकार और पार्टी के विधायक मंत्री के बीच में कोई समन्वय नहीं है। पता नहीं लगता है कि सरकार कौन चला रहा है, आखिर पार्टी की चल रही है या किसी व्यक्ति की चल रही है या कोई ऊपर से चला रहा है। झारखंड का पहचान खतियान से ही है, खतियान से ही सब चीज, इसलिए खतियान आधारित ही स्थानीय नीति बनाई जाए, ये स्पष्ट हमारी मांग। लाख ब्रैकेटिंग लगा ले, हमारे कार्यकर्ता कल के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। झारखंड में भाषा विवाद और 1932 के खतियान को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आदसू भी विधानसभा घेराव करने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत जी। आदसू कितनी मजबूती के साथ विधानसभा घेराव करेगी और आखिर क्यों घेराव कर रही है? आजसू पार्टी झारखंडी अस्मिता, झारखंडी परिचय, सामाजिक न्याय और संसाधन के लूट के विरोध में 7 तारीख को विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया है। कल ये आयोजन किया गया है। आजसू पार्टी का जन्म ही संघर्ष से हुआ है। हम लोग लाठी गोली केस मुकदमा से गुजर करके ही इस झारखंड राज्य को प्राप्त किया है। इस कार्यक्रम को लेकर के प्रदेश भर के करीब 260 प्रखंड हमारे हैं पूरे प्रदेश में। वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, करीब 10,000 कार्यकर्ताओं, नेताओं को 107 का नोटिस इस तरह से पकड़ाया जा रहा है। वो भी पहले तो चिट्ठी चौकीदार से जाता था, लेकिन अब चौकीदार नहीं बल्कि कई एक थाना के थानेदार लोग जाकर के चिट्ठी दे रहे और कह रहे कि इसको पकड़ो और कल SDO कोर्ट में तुमको हाजिर होना है। बॉन्ड 50,000 का भरना है, कहीं 10,000 का लिखा है, 1 साल का सजा लिखा है और दो दो जमानतदार भी लेकर के आना है। माने इस तरह का तो झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के दरमियान भी हमने प्रशासनिक रूप से ऐसा नहीं देखा था। लेकिन उस समय की जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार या राजद की सरकार, उन लोग का भी रवैया झारखंड आंदोलनकारियों के प्रति दमनात्मक रवैया था। उन लोग भी हम लोग को पृथकतावादी समझते थे, अलगाववादी समझते थे, उग्रवादी समझते थे, लेकिन झारखंड राज्य बना। आज हेमंत जी गुरु जी के सुपुत्र है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन लोगों के संसर्ग में आकर के उनका चरित्र भी उसी तरह का दिखाई पड़ रहा है जो अंग्रेजों का दिखाई पड़ता था या उस समय के कांग्रेस और राजद की सरकारें दिखाई करती थी। सेम वैसे ही हेमंत जी भी कर रहे। अब विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रांची में है, ब्रैकेटिंग आप साहेबगंज में कर रहे हैं, ब्रैकेटिंग आप पलामू में, गढ़वा में कर रहे हैं, वहाँ से लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, वहाँ हर कार्यकर्ताओं को नोटिस सर्व कर रहे हैं। एक एक तरह से लोकतांत्रिक जो मूल्य है, लोकतंत्र में जो बात रखने का जो आज़ादी है उसको रोकने का काम कर रहे हैं। झारखंड के आकांक्षाओं को और झारखंड की उम्मीद और आकांक्षाओं को इन लोग लाठी गोली के माध्यम से मिटाना चाहते हैं, झारखंडी पहचान को मिटाना चाहते हैं, जो झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। क्या आजसू से डर गई है क्या सरकार? ये सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। वो स्पष्ट रूप से झारखंड अपना जो कमिटमेंट उन लोगों ने किया था, उन लोगों ने कहा था कि हम 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, उन लोगों ने कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, तो उन्होंने कई एक कमिटमेंट जो किया उन लोगों ने, हमने तो स्पष्ट कहा कि भाई जो तुम कमिटमेंट किए हो ये पूरा करो, ये ब्रैकेटिंग लगाना या SDO DC SP के माध्यम से चिट्ठी भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप स्पष्ट रूप से ये हल कर दो। तो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाने का, अपने कमजोरी को छिपाने के लिए, अक्षमता को छिपाने के लिए इन लोग इस तरह का रवैया अपना रहे, दमनात्मक रवैया अपना रहे, जो झारखंड की जनता माफ नहीं कर सकते। क्या लगता है कि अब स्थिति काबू से बाहर होता दिख रहा है? क्योंकि जिस तरह से भाषा विवाद बढ़ रहा है, कल ही जिस तरह से मशाल जुलूस निकला था तो हजारों की संख्या में लोग नजर आने लगे थे एक समय में, अलवर टेका चौक पे अलग अलग संस्था के लोग जमा हो रहे हैं, तो इससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकता है। कानून व्यवस्था को बनाना और बिगाड़ना सरकार पर निर्भर करता है। आप
जनता की आवाज़ को दबाएंगे तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। आप लोकतंत्र में तो हर व्यक्ति को अपना बात रखने का स्वतंत्रता है, आप उसकी आवाज़ को नहीं सुनेंगे और आप सोच रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ेगा। अभी एक सिर्फ हीरालाल का मसाल को आप देखे थे, कल पूरे प्रदेश के सभी प्रखंडों में मसाल जुलूस निकला। अब ये मसाल हर गांव में जाएगा, हर घर में ये मसाल जलेगा और वहां से आवाज़ निकल के आएगा। जिस 1932 की खतियान की बात आप लोग करते हैं, मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं कि कोर्ट के फैसले को हम अध्ययन करेंगे, उनके मंत्री बाहर में कहते हैं कि नहीं, हम 1932 के खतियान लागू करेंगे, क्या ये विरोधाभास नहीं है? अस्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर में सरकार और पार्टी के विधायक मंत्री के बीच में कोई समन्वय नहीं है। ये लोग कुछ कह रहे हो, आखिर ये पता नहीं लगता है कि सरकार कौन चला रहा है, आखिर पार्टी की चल रही है या किसी व्यक्ति की चल रही है या कोई ऊपर से चला रहा है। ये भी रिसर्च का विषय हो गया कि आखिर सरकार किस कौन चला रहा है। दूसरी बात कि ये जो खतियान की बात हम कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से झारखंड का पहचान खतियान से ही है, खतियान से ही भाषा का भी पहचान है, खतियान से ही सब चीज, इसलिए खतियान आधारित ही स्थानीय नीति बनाई जाए, ये स्पष्ट हमारी मांग। आज सुबह एक आरोप लग रहा है, जो सत्ता में पार्टियां हैं, जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 14 वर्षों तक शासन में रहा, 19 वर्षों तक शासन में रहा, साथ में रहा, लेकिन कभी खुद किया नहीं और हम पर अब प्रेशर डाल रहा है। हम पर आरोप है कि हम साथ में रहे, लेकिन उन पर आरोप है कि वो खुद चला रहे हैं। मुख्यमंत्री तो हम नहीं थे, मुख्यमंत्री ये है और इन्होंने कमिटमेंट करके गया है, तो मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य बनता है कि हम जो कमिटमेंट किए हैं उसको जाते वो खुद कहा कि पहला कैबिनेट में हम निर्णय लेंगे सामाजिक न्याय पर। तो पहला कैबिनेट क्या है, तो 2 साल और कितने कैबिनेट बीत गए, तो आपका बोली और कथनी और करनी में तो काफ़ी अंतर ये जनता देख रही है। कितनी तैयारी है कल के घेराबंदी की? हमारे कार्यकर्ता और झारखंड की जनता पे पूरा विश्वास है, कल के कार्यक्रम को लेकर के आप लोग पूरे तय से मुस्तैदी से तैयारी किए हैं, लाख बैरिकेटिंग लगा ले, हमारे कार्यकर्ता कल के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। तो ये देवशरण भगत जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1932 आधारित खतियान ही लागू होगा और इसके लिए हम लगातार विरोध और संघर्ष करते रहेंगे, जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।